की बारी जोर लाले छत्तिया मैंने को नारदा मैं दस बारी फारदा मैं ओदे उत्तों सौ सौ दिया गत्तिया टाइम लगू मिटने नू सानू पहले सिटने नू की बारी जोर लाले। आज की वीडियो में दिखाने वाले भाई आपको एक ऐसी गाड़ी जो वैल्यू फॉर मनी है और अपने साथ में हिमांशु भाई। जय श्री राम मेरे दोस्तों। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। वो तो आपके व्यूअर्स हैं ही, आप बढ़िया तो आपके व्यूअर्स भी बढ़िया। तो क्या लेके अपनी ऑडियंस के लिए आज? हमारे व्यूअर्स के लिए मैं लेके आया हूँ ऑल निसान मैग्नाइट एक्सी मॉडल जो कि 2 साल पुराना था। ठीक है। 2 साल बाद भैया ने इसमें मॉडिफिकेशन कराई है। तब तक मॉडिफिकेशन नहीं कराई क्योंकि भैया को विश्वास था करानी है तो अपने भाई से करानी है। ठीक है। जो कि मैं हूँ हिमांशु। हिमांशु वत्स। ये नहीं की नई गाड़ी में ही मॉडिफाई करते हैं, ओल्ड कार भी हो आपके पास आप उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। लेकिन भाई ने करवाई नहीं क्योंकि भाई को टाइम नहीं मिल पाया, वो अलग चीज है, भाई का बिजी शेड्यूल इतना रहता है। ठीक है। भाई भी ऐसे बिजी रहे भाई हमारा। अब थोड़ा बाहर से बात कर ले, मतलब लुक कितनी प्रीमियम लग रही है, ग्रिल भैया ये ना अभी अगर ये गाड़ी दूर से आ रही होगी ना कोलंबिया, कोई इसको देख के जज नहीं कर सकता ये क्रेटा है या मैग्नाइट है। भैया देखो ना कितनी प्रीमियम लगती है ना रूफ रैप करने के बाद। डुअल टोन में कार तैयार कर दिया है। डुअल टोन होता है जैसे ये आपकी हाफ बॉडी ब्लैक कलर या कोई और कलर और हाफ बॉडी किसी और कलर की। और इसमें आप देखेंगे यहाँ से लेके पीछे तक हमने रूफ रैपिंग करी है। रूफ रैपिंग में भी बड़ी क्वालिटी होती है सर। इधर आओ, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये कॉर्नर्स पे फिनिशिंग नहीं आती, ये सब चीजों में फिनिशिंग नहीं आती, यहाँ से उठने लग जाती है उतरने लग जाती है, लेकिन ऐसा हमारा काम नहीं है। कल को अगर ये बंदा देखो बाई चांस इसको कोई भी एक्स वाई जेड इशू की वजह से इसको उतारना है तो ये बस पकड़ के ही उतार सकता है। हमारी डैमेज नहीं होगा। हाँ, हमारी टेप गम नहीं छोड़ेगी, दूसरा इन्हें तंग नहीं करेगी। अगर कभी भी रूफ रैपिंग उतारते हैं बंदे तो नीचे बड़ी गंदी चिपचिपाहट सी गम रह जाती है। अब थोड़ा फ्रंट से बात करते हैं, फ्रंट के अंदर क्या कुछ चेंजेस करेगा? फ्रंट के अंदर एक हमने अपना फ्रंट ग्रिल लगाया है, एक अंदर इसके अंदर हमने लाइट लगाई है रेड एंड ब्लू वाली। ठीक है। मतलब पुलिस फ्लैशर्स मैं जला के दिखाता हूँ आपको, इलीगल से रिकमेंडेड नहीं है। फ्लैशर्स होते हैं रेड एंड ब्लू, इसका रिमोट भी आता है, अगर पुलिस मिले तो आप वाले पकड़ ले उसको बंद कर सकते हैं। ये वीडियोस में मम्मी पापा नहीं देखते, नहीं तो कहेंगे बेटा हम भी पुलिस में ही है। अब फ्रंट में हेडलाइट में बात कर ले भैया, हेडलाइट में सामने देखो भैया, सामने दिखाओ। देखो फ्रंट फेस व्हाइट के अंदर है। मैंने भी नई गाड़ी ली है भैया 2 महीने पहले, उसके अंदर मैंने लेते ही ये लाइट अपग्रेड करी है, नाम नहीं बताऊंगा। और है ये प्रॉपर 240 वॉट और फेस देख लो। 2 साल की इसकी रिप्लेसमेंट गारंटी है, कोई भी इशू आया हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट। इससे हैवी भी आती है मेरे पास, लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट लाइट I have ever installed in any car. Plug and play. Plug and play. That's it. ठीक है। अब थोड़ा सा फ्रंट में भाई बता दिया, DRL fog lights upgrade नहीं करेंगे। अरे लाइट से इतनी अच्छी रोशनी हो जाती है, DRL fog light की जरूरत नहीं पड़ती। भैया को क्वालिटी मॉडिफिकेशन का शौक था तो क्वालिटी मॉडिफिकेशन में जो अच्छी मॉडिफिकेशन वो हमने करी है, एक्सेप्ट दैट लाइट। ठीक है। वो भाई अपने अपने शौक है। अब साइड पे से बात कर ले, व्हील कवर्स लगे हुए थे? व्हील कवर्स लगे हुए थे यार, व्हील कवर्स में कोई चेंजेस नहीं, मिरर में भी चेंजेस कुछ नहीं, मिरर में चेंजेस नहीं करे, बस रूफ रैप करेंगे। रूफ रैप करिए, दो वाइजर लगाए जो कि क्रोम लाइनिंग के साथ रहता है। ठीक है। एक विंडो गार्निश लगाइए, आप देखेंगे ये विंडो गार्निश की क्वालिटी देखो, क्वालिटी जो बंदे हमारी गाड़ी वाड़ी साफ करते हैं भाई उनके लिए हम बड़ा सोच समझ के लगाते हैं चीज। जो हल्की वाली होती है उसमें ना यूं हाथ कट जाता है। मैंने सुना है मार्केट में बड़े सारे लोग मैग्नाइट की वीडियोस बनाते हैं। देखो आप किसी के पास भी जाओ, आप ट्रस्ट करके जाओ, आपका काम अच्छा हो, मेरी यही आपके लिए ब्लेसिंग रहेगी, आपका काम अच्छा हो। लोग ना यार कम भी चिंदी चोरी करते हैं। चिंदी चोरी समझ गए क्या होती है? मतलब छोटी मोटी आइटम में घुमाएंगे। मैंने एक क्लाइंट के लिए उसकी यहाँ से आई हुई थी लड़के की, जो हमारा लड़का काम कर रहा था उसमें, उसका तक हाथ कट गया था। तो ऐसी चीज मत लगवाना भाई। ठीक है। साथ में भाई यहाँ पर डोर्स भी हैवी करे गए, डैम्पिंग करी गई है, डैम्पिंग होती है, ये डैम्पिंग होती है। साउंड क्वालिटी एनहांस करने के लिए साउंड, अरे साउंड क्वालिटी से तो याद है साउंड सिस्टम लगाया कार के अंदर, बढ़िया म्यूजिक, वो म्यूजिक इंस्टॉल करा है। अब थोड़ा सा बैक में बात कर ले, बैक में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं, बैक में कोई खास चेंजेस नहीं करे गए हैं, बिल्कुल जो जैसे थे वैसे ही कलर रहती है वही रखी गई है। इसमें नंबर प्लेट में देखो हमने कैमरा लगाया, यहाँ पर लगाया गया नेक्स्ट लेवल, ताकि इसकी सिक्योरिटी भी रहे, ये टाइट भी हो जाए, खड़खड़ फड़फड़ ना आए, क्योंकि बेस ट्यूब लगी है तो इसको बिल्कुल सपाट चिपका दिया हमने। अब आउटर दिखा दिया, इंटीरियर दिखा दे एक बार, इंटीरियर दिखा दे, पहले पीछे से दिखाएं। चलो अब तो पीछे ही खड़े, पीछे से चेकआउट करते हैं, दिखाओ एक बार गाड़ी को, तो चेकआउट करते हैं। पहले यहाँ पर साउंड में JBL, साउंड में JBL का पूरा साउंड सिस्टम अपग्रेड है, ये JBZ कॉपी। ठीक है। चेकआउट करो कितनी प्रीमियम लुक लग रही है,
साथ में रूफ भी अपनी पूरी रैप करी गई इसके ब्लैक अंदर से इंटीरियर करा है क्योंकि जो व्हाइट पोर्शन था अंदर का जो ग्रे पोर्शन आता है वो सब खत्म करने की इंटेंशन थी। बाकी आप देखेंगे ये पूरी वेलवेट टेक्सचर में आप देखेंगे ये डायमंड वाले टेक्सचर में वेलवेट है ये स्वेड लेदर भी बोलते हैं कुछ लोग इसको और प्रीमियम लगती है होने के बाद ना। हाँ बढ़िया लग अच्छी फील आती है लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा जो बंदे गाड़ी में बैठ के सिगरेट वगैरह पीते हैं उनके लिए ये चीज नहीं है क्योंकि इसमें स्मेल बैठती है। ठीक है अब यहाँ पर दिखा दे पहले डोर के ऊपर चेंजेस क्या कुछ करें हिमांशु। डोर पैनल्स लेदर रैप करें प्रॉपर स्टिचिंग के साथ आप देख सकते हो डुअल स्टिच मिलने वाला इन वाले पार्ट प्लस एमएल लाइटिंग इंस्टॉल करी जो कि K4 रहने वाली है। मैं दिखा देता हूं इसमें काफी पैटर्न्स रहते हैं तो इसमें बटन भी यहाँ पे बटन भी है और ये ऐप के थ्रू भी चेंज होती है। ठीक है इसमें आप सिंगल भी कर सकते हैं और मल्टीपल इसके अंदर मोड्स भी आपको मिल जाते हैं और ऐप कंट्रोल रहती है देख लो। साथ में भाई फ्रंट में आज यहाँ पर लगाया ट्विटर्स। हाँ यहाँ पे लगाया क्योंकि इसमें एम्पलीफायर इंस्टॉल किया गया भैया। ठीक है आगे लगाने से वो आउटपुट नहीं निकलती ट्विटर्स की जो कि यहाँ पे से म्यूजिक की आउटपुट निकलेगी। ठीक है अब डैशबोर्ड में बात कर लेंगे पहले चेंजेस क्या करें डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड हमने लेदर रैप किया है प्लस आप देखेंगे ऊपर ये एमएल लाइट चली रही है। ठीक है तो इसमें मल्टीपल मोड्स है और ये देखो भाई इसमें भी स्टिचिंग दिखा दो बिल्कुल प्रॉपर स्टिचिंग वहां से लेके यहाँ तक पूरा एक्यूरेट स्टिचिंग है। साथ में ये वाई वाला पार्ट भी ये वाई वाला पार्ट इसको कंसोल बोला जाता है बेसिकली। ठीक है ये भी हमने लेदर रैप किया और सीट कवर्स बहुत अच्छे हैं जो टॉप नॉच क्वालिटी वाले सीट कवर्स। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। कितना टाइम की वारंटी दे रहे हो भैया? हमारी तरफ से ना सीट कवर की वैसे तो लाइफ टाइम वारंटी रहती है। वारंटी में क्या इंक्लूड रहता है? क्रैक्स नहीं आएंगे। ठीक है स्मेल नहीं आएगी स्मेलिंग इशू 1%। दूसरा ना आपने नोटिस किया होगा कि जब बंदा बैठता है ना तो ये वाला पोर्शन ना उसकी बैक पे चिपक जाता है या उसकी बैक या शर्ट टी शर्ट जो भी होती है बैक साइड से वो सीट कवर के साथ चिपक जाती है वो इशू कभी नहीं आएगा। और देख लो डुअल फिनिश के अंदर मिल जाएगा। डुअल फिनिश में भी इसलिए देते हैं भैया उसका भी रीजन है लॉजिकल। पीछे वाला पार्ट गंदा भी होता है दूसरा कुछ ना गाड़ी का पीस देखेंगे आप ब्लैक है हाँ, तो थोड़ा मैच कर जाता है पूरा टोन कंट्रास्ट में देने के लिए। जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो कितना मैचिंग लग रहा है। नीचे फ्लोरिंग भी करी है नीचे फ्लोरिंग करी क्रोकोडाइल फ्लोरिंग। ठीक है इसके बेनिफिट्स तो आप पूछो ही मत भैया जिसको भी बताता हूँ ना भैया वो लोग मेरे को साफ बोलते हैं मैंने आपकी वीडियो देखी ये क्रोकोडाइल फ्लोरिंग तो करनी है। ठीक है आर्मरेस्ट आर्मरेस्ट लगा BMW स्टाइल आप ये देखेंगे यू करके ये खुल जाता है। ठीक है इसके अंदर एक आपका ये कप होल्डर मिलता है। ठीक है आप थोड़ा सा कार के अंदर बैठ जाते हैं आइए आइए चाहता हूँ आपके लिए आज नहीं होगा। ठीक है अरे एसी से याद आया ये देखो सेंटर लॉकिंग नहीं हमने नहीं लगाई थी पर हमने इनकी फ्लिप की में कन्वर्ट कराई है। ये रिमोट है और भी बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं रिमोट के हमारे पास। ठीक है लगाओ एक बार और अंदर देखो ना लुक देखना कितनी प्रीमियम आएगी ना लुक तो ये नो डाउट बहुत अच्छी आ रही है गाड़ी की पर्सनली बहुत फ्रंट लुक बहुत अच्छा लग रहा है देखने में इसमें और जैसे अपनी एम्बियंस ऑन होती है ना तो उसके बाद तो फ्रंट लुक और ज्यादा एनहांस हो जाती है। नहीं देखो नो डाउट पर्सनली बोलूं मैंने तो दूसरी गाड़ी ले ली बट मैं लेना तो महंगा ही चाहता लेकिन घर वालों का भाई ये देखो साउंड साउंड भाई बीवी के आगे किसी की नहीं चलती भाई अच्छे आदमी की तो बिल्कुल नहीं चलती। ठीक है बाकी आप आपकी प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करता है। स्टीयरिंग में बात कर ले स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं लगा नहीं यार भैया बोलता है भैया अभी मेरा इतना खर्चा बहुत है और जो है मतलब मेरे को प्रीमियम काम कराना था क्वालिटी का स्टीयरिंग कंट्रोल की इतनी खास उनको रिक्वायरमेंट नहीं है बोलते भैया स्क्रीन लगाई उसके भी तो मजे लूंगा। देखो अब यहाँ दिखा दो भाई रूफ रैप देखो भाई ये कितनी प्रीमियम आती है और सबसे मेन चीज है जब पुलर्स पहले से ही ब्लैक आते हैं। हाँ जी तो खर्चा बच जाता है खर्चे की भी नहीं है यार एक अच्छा मतलब हाँ, लुक भी लुक अच्छी आती है वरना ब्लैक करवाना ही पड़ता है जब रूफ रैप करवाते हैं। हाँ, अभी ना कार के अंदर बैठ के ना नो डाउट भाई बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली और मतलब ये अभी जैसे आपके फोन की लाइट ऑन है बट विदाउट लाइट ना कार का इंटीरियर जो है वो बिल्कुल सूदिंग लग रहा है आई सूदिंग लग रहा है आई कैचिंग लग रहा है। ये नहीं की ज्यादा छटैक है आंखों में चुभ रहा है ये वो ये मैट में आप नोटिस करेंगे तो ये जो बर्नट ऑरेंज कलर बोलते हैं इसको टैन कलर बोलते हैं कुछ लोग ये मैट फिनिशिंग है। एंड्रॉइड कौन सा लगाया? एंड्रॉइड इसमें हमने लगाया बेंज ऑडियो जो स्टार्टिंग से आज तक लेते हो चल रहे हैं भाई। यहाँ पर देखा टच लेवल बिल्कुल स्मूथ है साथ में बैक कैमरा भी अपग्रेड करा गया है क्वालिटी दिखाता हूं आपको देखो बैक कैमरे की क्वालिटी दिखा देते भाई रात के टाइम भी अच्छी खासी क्लैरिटी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब हिमांशु भाई थोड़ा सा खर्चा जान लो भाई देखो ऐसी गाड़ी रेडी करनी है कस्टमर से पूछ लेते हैं मैं फिर कस्टमर लोग पता क्या बोलते हैं भाई बाय बाय खर्चा कितना आएगा भाई ये गाड़ी है खर्चा मैं को नहीं पता क्या खर्चा आएगा। जहाँ भी आप काम कराओ आप मान के चलो एक बेस मॉडल गाड़ी में 30-40 हजार रुपए तो आपके खर्च होंगे ही। चलो भाई देखो वर्किंग हमने दिखा दी है कस्टमर से जाना चाहूंगा काम कैसा लगा और
कितना खर्चा आया गाड़ी के अंदर। बिल्कुल जैसे आप चाहे सर। आज मैं अपने प्राउड ओनर, भैया क्या नाम है आपका? सागर भाई। आपका? भाई उदय नाम है मेरा। भाई आपका? कहाँ से आए थे भैया? भाई हम आए छतरपुर मांडी। छतरपुर से आ रहे थे अपने भाई दिल्ली भाई करोल बाग में। कैसा रहा काम? भाई काम एकदम बढ़िया लगा। अच्छा और आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं ये भी बताओ। भाई आपको 2 साल से ज्यादा हो गया फॉलो कर। लो भाई। हाँ भाई पहली एक बार बात कब हुई थी? जब मैंने गाड़ी स्टार्टिंग में आई थी ना मेरे पास, तब मैंने आपके पास कॉल किया था। आपने मेरे से कहा था आप भाई आ जाओ, आपके बेस को टॉप में रखे भेजेंगे। तो भाई 2 साल रुक के आया भाई। भाई थोड़ा समय नहीं लग पाया आने का, लेकिन जब समय लगा आने का तो भाई ने जैसा सोची थी बढ़िया ही काम करा है। तो 2 साल रुकना वसूल हुआ ना? बिल्कुल वसूल हो गया भाई। गाड़ी की लुक आ रही है बढ़िया तरीके का, साउंड सिस्टम अच्छा तरह वैसा मिला। बिल्कुल भाई वैसे ही। मैं कि जनरली आप कह रहे हैं या मतलब ये बस ऐसी? ना ना भाई, अगर भाई काम करना तो बाहर भी पते रहे। बिल्कुल है। जब आप आए हो तो मार्केट मार्जिन में बड़े लोगों ने कहा होगा आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ऐसे लोगों को बिल्कुल मत जाना जो ऐसे रोकते हैं ना गाड़ियों को, उन लोगों के पास बिल्कुल मत जाना। वो सारे फ्रॉडी होते हैं, वो बस गाड़ी खड़ी करवाते हैं और अपना 1000-1500 रुपए कमीशन भाग जाते हैं। ठीक है, बाकी अच्छा लगा इंटीरियर की। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया लगा, ऐसी हो या तैसी हो। ठीक है, बाकी 10 में से कुछ रेटिंग देनी हो काम? भाई 10 क्या, 100 में से मैं 100 दे रहा हूँ भाई को, एकदम बढ़िया काम। भाई 100 में से 100 दे दिया, अब थोड़ा खर्चा जान ले, खर्चा कितना आया गाड़ी में? भाई खर्चा इसमें लग गए मेरे 63,000 लगे हैं। 63,000। हाँ जी हाँ जी। और 6,000 होते तो क्या बन जाता। चलो भाई बाकी बढ़िया लगे ना भाई गाड़ी के लिए। बढ़िया भाई। चलो सारी वर्किंग के लिए आपको आना है भाई हिमांशु भाई के पास। मेरे पास आइए, मैं आऊंगा, शिव भैया होंगे। शिव भैया नहीं, आप शिव भैया उन्हें मिलके ऐसा तो नहीं लगा कि मतलब वैसे उनको अगर देखें एज फैक्टर उनका साइड नहीं 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 वो जन्म मतलब बढ़िया बंदे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप कभी भी आओ, उन नाम से भी शिव है और कर्म से भी शिव है। चलो भाई आना आपको हिमांशु भाई के पास, स्क्रीन पर सारे नंबर डिटेल लेने कांटेक्ट कर सकते हो। मैग्नाइट लेने की सोच रहे हो? और अगर नहीं भी सोच रहे, कम बजट में गाड़ी लेनी है तो मैग्नाइट ले लो, अच्छी गाड़ी है। निशान वालों ने प्रमोशन के अलग से पैसे दे रखे हैं इनको। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या देगी। चलो भाई ठीक है, वर्किंग दिखा दी है भाई, कमेंट सेक्शन में आप बताना लुक कैसे गाड़ी की आपको।